यहाँ पे चाय बन रही है और जी यहाँ पे रोटी भी बनने लगी है, मामा बनाने लगी है और मैं चाय बना रही हूँ। और देखते हैं बाई वेदर फिर क्लाउडी हो बहुत ज़्यादा और जी हमारे मॉर्निंग का भी आवाज हो गया है यहाँ पे। अब मामा आएंगे रोटियाँ बनाए, मैं वेट कर रही हूँ उनका। मामा आ जाएंगे रोटी स्टार्ट करें, मामा भी आ गई फाइनली और वो रोटी बनाने लगी हैं। और जी मैं यहाँ पे सफाइयों में लग चुकी हूँ और सबसे पहले मैं टीवी लॉन्च साफ करती हूँ। लॉन्च में यहाँ पे डाइनिंग का जो एरिया है पहले मैं ये साफ़ करती हूँ और यहाँ पे मैं डस्टिंग कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि टेबल पे यहाँ पे जब सुबह सब ब्रेकफास्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है यहाँ पे टेबल, तो अभी बस मैं ये साफ़ कर रही हूँ जल्दी जल्दी से। और बस मेरी मॉर्निंग का आगाज़ हो चुका है और नाश्ता कर लिया है, सब कुछ कर लिया और बस यहाँ पे मैं सफाइयों में लग चुकी हूँ। और सुबह का टाइम है यहाँ पे और बस हमें भी स्कूल चली गई है और नाश्ता भी हमारा हो गया है। तो बस डेली की रूटीन होती है और ये जो डेली डस्टिंग करती हूँ मैं, क्लीनिंग की रूटीन होती है, मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ और आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि अपनी डस्टिंग कैसे करती हूँ। और यहाँ पर मैं बताती चलूँ कि मैं डस्टिंग के लिए दो कपड़े यूज़ करती हूँ। एक मैं थोड़ा जब स्प्रे करके मारती हूँ और फिर मैं बाद में ड्राई कपड़ा ज़रूर मारती हूँ। हम लोग का जो सिटिंग एरिया वो तो सिंपल सही है, मुझे इतना अच्छा नहीं लगता है कि ज़्यादा डेकोरेशन वगैरह मैं करूं क्योंकि मुझे ये फजूल खर्ची लगता है। इस वजह से बस मैं अपना जो सिटिंग एरिया वो सिंपल ही छोड़ा हुआ, वो सोफ़ा लगाया हुआ सिंपल, क्योंकि वैसे भी बच्चे तो रहने देते नहीं, उनका बहुत ज़्यादा शरारती है, कोई भी चीज़ कोई भी डेकोरेशन ला के रखो वो तोड़ देते हैं। तो मैंने कहा कि यही बेहतर है कि जब तक ये बड़ा नहीं होता कोई चीज़ ला के रखी ही ना जाए। और वैसे भी एक किस्म की फजूल खर्ची भी है मेरे ख्याल में। किचन की तरफ इनकी ये जो कबर्ड है मैंने तकरीबन 3 डेज से मैंने यहाँ की डस्टिंग नहीं की क्योंकि मेहमान आए हुए थे और फिर मेहमानों में बहुत ज़्यादा बिजी थी आपको पता, फिर उसके अपना टाइम नहीं मिलता। तो आज मैं यहाँ पे प्रॉपर डस्टिंग कर रही हूँ। यहाँ पे क्लीनिंग करना शुरू हो गई, यहाँ पे भी स्टार्ट कर
करने लगी। यहाँ पे मैं अपने बेडरूम में आ गई हूँ और अब मैं अपने बेडरूम की क्लीनिंग करने लगी हूँ। बेडशीट का बहुत बुरा असर हो जाता है, बच्चे इधर से उधर उलट पलट कर लेते हैं, तो मैं यहाँ पे अपनी बेडशीट ठीक कर रही हूँ और उसके बाद अपने रूम की डस्टिंग करूँगी। ये सबसे मैं लास्ट पे करती हूँ क्योंकि पहले किचन के काम सब फिनिश करती हूँ, फिर सिटिंग एरिया की, और फिर ये लास्ट में अपने बेडरूम में ठीक करके रखती हूँ। और मैं सबसे पहले आके विंडो खोल देती हूँ क्योंकि विंडो से फ्रेश एयर अंदर आती है, और कर्टन साइड पे कर लेती हूँ। आज बहुत अच्छा सन लग रहा था, सूरज अंदर आ रहा था और बहुत अच्छा लगता है मुझे, तो बस अब मैं यहाँ पे क्लीनिंग कर रही हूँ प्रॉपर, आप देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और मेरा आज का व्लॉग कंप्लीट हो गया है, मैं छत पे आई हूँ, देख रही हूँ आप कितनी प्यारी हवा यहाँ पे चल रही है, और सुबह के यहाँ पे 7:30 बज रहे हैं और आप देख लें कि कितना प्यारा सूरज निकल रहा है यहाँ पे। तो मैंने क्लॉथिस भी धो के डाल दिए हैं वॉश करके, मैंने मॉर्निंग में सब काम कर दिया, क्लॉथिस भी वो देखिए मैंने सब बच्चों के धो के डाल दिए। मैंने कहा बाद में हानिया स्कूल से आ जाती है, अब तो बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती हूँ मैं, तो उसको पढ़ाना भी होता है, उसके तो सब कुछ करना होता है इस वजह से। तो वैस अब मैं करती हूँ अपना व्लॉग आज का यहाँ पे एंड। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं और मेरी क्लीनिंग की रूटीन आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी कर लें। तो बस कल मिलूँगी एक नए व्लॉग के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।